अप्रैल 1876 लॉर्ड लिटन भारत का गवर्नर पद संभाला। भारतीय लोगों को लगा कि शायद इसके शासनकाल में सुख चैन से रहेंगे, मगर लोगों का यह भ्रम जल्दी ही टूट गया क्योंकि उसकी दमनकारी नीतियां और जनता से क्रूरतापूर्वक व्यवहार ने लोगों को मरने पर मजबूर कर दिया। सन 1876 से 78 तक भारत में भयंकर अकाल पड़ा जिसमें फसलें नष्ट हो गई, लोग भूखे मर रहे थे। लिटन सरकार ने गरीबों को कोई सहायता नहीं। सन 1876 में ही इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद उपाधि से नियुक्त करने के लिए दिल्ली बुलाया गया। एक तरफ करोड़ों रुपए खर्च कर विक्टोरिया के लिए वैभवशाली आयोजन किया गया और दूसरी ओर अकाल से जूझती भारत की असहाय जनता जिसे मरने के लिए छोड़ दिया गया। लॉर्ड लिटन गवर्नमेंट ने कई कानून पारित किए जैसे कि समाचार पत्र अधिनियम जिसे भारतीय भाषाई समाचार पत्रों को बैन कर दिया गया। 1878 में शस्त्र अधिनियम, भारतीय लोगों को हथियार रखने पर पाबंदी लगा दी गई। 1876 से लेकर 1880 तक इसका शासनकाल चला। इस टाइम पीरियड को लॉर्ड लिटन नीति के नाम से जाना जाता है। लाइक जरूर करें।